सारी जी की जो अभी गाने आ रहे हैं, फर्स्ट थिंग की बहुत ही अच्छे गाने आ रहे हैं, पहले भी तो गाने आए ना, खेसारी जी को क्यों टारगेट करते लोग, पहले भी तो गाने आए ना बाबा, एक ही नाम क्यों, हर कुछ भी होता है तो खेसारी जी, कुछ भी होता है तो खेसारी जी, एक ही नाम क्यों, इंडस्ट्री में और भी लोग हैं। और यहाँ पे मैं किसी का चमचागिरी नहीं कर रही हूँ, मैं होनेस्ट बोल रही हूँ, मैं खुद से एक्सपीरियंस करती हूँ, तो वो चीज़ें हैं। सो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि खेसारी सर से सीखने के लिए मिलता है, आगे उनके साथ काम और भी करूँगी और काम किया है, आशिकी में देखने मिलेगा आप लोगों को। खेसारी जी के बारे ये बोलना चाहूँगी मैं फर्स्ट थिंग कि वो नाम ही एक अलग है, खेसारी लाल यादव जी नाम ही एक अलग है, और उन्होंने खुद को प्रूव किया है, ये जग जाहिर है। मैं ये नहीं कि अब किसी के उसमें बोल रही हूँ या फिर अपने बेनिफिट या लॉस के लिए देख रही हूँ, होनेस्टली उन्होंने प्रूव किया है। संजय कॉलोनी जैसे जगह से, दिल्ली में एक जगह से उन्होंने लिट्टी चोखा बेचा है, बहुत बड़े घर से तो नहीं थे ना, आज उन्होंने जो भी किया है खुद के दम पे किया है, उन्होंने गाना गाया है, जागरण किया है, शोज़ किया है, फिर करते करते फिल्मों में आए, फिल्में की, फिर उसके बाद बिग बॉस किया, फिर अब जाके और भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और खेसारी जी के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि वो अच्छा ही कर रहे हैं भोजपुरी के लिए, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, भोजपुरी में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, मैंने देखा है सेट पे उनको, स्टोरीज़ के लिए बैठते हैं वो और स्टोरीज़ के लिए बैठ के डिस्कशन करते हैं कि नहीं ये ऐसा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ऑडियंस को ये अच्छा लगेगा, ऑडियंस में ये भी कि हमारी माताएँ देखेंगी, बहनें देखेंगी तो उनको अच्छा लगेगा। खेसारी जी का नाम ही अलग है और खेसारी जी ने प्रूव किया, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उनके साथ काम किया है। अदर्स लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो अपनी पब्लिसिटी के लिए बोल रहे हो या फिर उनको पर्सनल ग्रजेस हो उनसे कि भाई ये इतने छोटे जगह से आके इतना बड़ा सुपरस्टार बन के कैसे काम कर रहा है, ये भी हो सकता है। बट यस, खेसारी जी से सीखने मिलता है, मैंने आगे उनके साथ जो काम किया है लिट्टी चोखा आशिकी, आगे और भी काम करूँगी खेसारी जी के साथ, और स्टोरी अच्छी होगी तो डैम शो करूँगी आगे, और अच्छी अच्छी स्टोरीज पे हमने काम किया है। खेसारी जी बहुत कोऑपरेटिव आर्टिस्ट है, उन्होंने चीज़ों को समझाया है, मैंने जब लिट्टी चोखा किया, जब मैंने आशिकी किया तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं ठीक है, कभी भी सीन करने जाते थे तो सीन डिस्कशन करते थे और वो कोऑपरेट करते थे, नो डाउट ही इज़ सो टैलेंटेड आर्टिस्ट, और उनको देख के कुछ करने का मन करता है लिटरली, क्योंकि वो भोजपुरी के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं और लोगों के लिए कर रहे हैं और करते हैं, तो हम लोग भी उन्हीं के जैसा बनना चाहेंगे ना कि आगे इंडस्ट्री में और भी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं लोगों की हेल्प करें, फैमिली की हेल्प करें, सबकी करें, तो अच्छे इंसान है खेसारी जी। और अभी तो देखिए ना कितने अच्छे अच्छे गाने लेके आ रहे हैं, वो नीट एंड क्लीन लेके आ रहे हैं। उनके जो गाने रिलीज हो रहे हैं उनके वो गानों पर आपने गाना सुना या कौन सा क्या कहना चाहेंगे, उनके गाने आते हैं नजर साफ। खेसारी जी की जो अभी गाने आ रहे हैं फर्स्ट थिंग की बहुत ही अच्छे गाने आ रहे हैं, पहले भी तो गाने आए ना, खेसारी जी को क्यों टारगेट करते लोग, पहले भी तो गाने आए ना बाबा, एक ही नाम क्यों, हर कुछ भी होता है तो खेसारी जी, कुछ भी होता है तो खेसारी जी, एक ही नाम क्यों, इंडस्ट्री में और भी लोग हैं, तो खेसारी जी के गाने अभी नीट एंड क्लीन आ रहे हैं। इवन खेसारी जी के नहीं, पवन सिंह जी के भी बहुत प्यारे प्यारे गाने आ रहे हैं, उन्होंने पुदीना गाया है, मैंने पुदीना सुना, बहुत प्यारा गाना लगा। इवन जितने भी हमारे भोजपुरी में सिंगर्स हैं जो अच्छे खासे हीरो अच्छे जगह पर अच्छे पोजिशन पर हैं, सबका, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगी, अभी बहुत लिस्ट हो जाएगी वरना, बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, सो अच्छा अच्छा गाना गा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं। हमारे दिनेश सर भी अच्छा गाना गाते हैं, वो कम ही करते हैं लेकिन लेके आते हैं, अभी उन्होंने होली का गाना किया था आम्रपाली दी और उन्होंने किया था, तो ओवरऑल चीज़ें देखी जाए तो बहुत प्यारा। और यहाँ पर मैं किसी का चमचागिरी नहीं कर रही हूँ, मैं होनेस्ट बोल रही हूँ, मैं खुद से एक्सपीरियंस करती हूँ, तो वो चीज़ें हैं। सो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि खेसारी सर से सीखने के लिए मिलता है, आगे उनके साथ काम और भी करूँगी और काम किया है, आशिकी में देखने मिलेगा आप लोगों को, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं भोजपुरी में। इवन मैं भी अभी जो भी मैंने किया है अच्छा ही कर रही हूँ, लास्ट टाइम एक मूवी करके आई हूँ प्रेम लीला, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, उस फिल्म के प्रोड्यूसर हिम्मत सिंह जी हैं, हीरो प्रेम सिंह जी हैं और डायरेक्टर अजय झा जी हैं, सो अच्छा एक्सपीरियंस है। वहाँ भी कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा था, इवन इधर भी, मतलब इधर 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 हर जगह देख लीजिए अब कॉन्सेप्ट बहुत प्यारे आ रहे हैं इंडस्ट्री में। सो अश्लीलता अब ख़त्म होने वाली है, बस माता रानी करे कि ये जो जैसे हमारे सेंसर बोर्ड पास होते हैं फिल्मों के लिए, वैसे एल्बम्स के लिए भी हों तो चीज़ें सुधर जाएंगी, क्योंकि इजी अवेलेबल से ही लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी बना के कुछ भी थम्बल उम्बल लगा के कुछ भी कर देना, तो सब उससे सिक्योर रहेंगे, किसी को इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी। कौन कौन फिल्में आपकी आने वाली हैं? आने वाले टाइम में मेरी फिल्म है आशिकी, भोजपुरिया में दम्बा, प्रेम लीला, लव लेटर, और भी बहुत सारी फिल्में हैं याद नहीं है, और
अभी जो कर रही हूँ आग और सुहाग, और लाइनअप फिल्में और भी हैं, बैक टू बैक वो देखने मिलेगा आप लोगों को।